अस्सलामुअलैकुम। आज हम ठेचा बना रहे हैं, हरी मिर्ची का ठेचा। ये हमारी दादी बना रही हैं। चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं क्या बना रही हैं बोल के। आज क्या बना रही? मैं साला वो ठेचा करने लगूं। देख कई का ठेचा? हरी मिर्ची का ठेचा। हाँ चलिए ठेचा बनाना स्टार्ट करते हैं। कितना है जीरा? ये देखो इतना है, देखो शक्कर के चमचे से एक चमचे। एक टी चमचे इतना जीरा है, क्यूमिन सीड्स। इसे अच्छे से कूट लेंगे। एक ठेचा अलबत्ते में बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। देखिए ऐसे पाउडर हुआ है। इतना क्या डालती? मेरा क्या कोतिंबीर है, लहसुन। एक दो टेबलस्पून जितनी कोतिंबीर, हरा धनिया। देखिए इतने से लहसुन। क्या करने की चेता? इतना इसे सो कूट को बगार देने का, एक चार फलियां भा को। इसे भी कूट ले रहे हैं। हरा धनिया को कूट लिया है। इतना क्या डाल रही? इतना मिर्चा, हरी मिर्ची, नमक। देखिए थोड़ा सा नमक डाला है अंदर, अभी ने भी कूट लेंगे। देखिए मिर्ची अच्छे से कूटा है। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ देखिए दो टेबलस्पून जितनी पीनट्स लिया है, सेंगा। उसे भून लिया है हल्का सा, भून के अब इसे भी कूट लेंगे। भुनने के बाद हल्का सा उसका छिलका निकाला है, दरदरा सा कूट लेंगे। देखिए ऐसे कूट लिया है, या फिर और थोड़ा आपको बारीक चाहे तो बारीक कर लीजिए। देखिए गैस पे कढ़ाई रखी है, उसके अंदर तेल डालेंगे। चार टेबलस्पून जितना तेल डालिए। देखिए तेल को हल्का सा गर्म होने के लिए देंगे। तेल गर्म होने के साथ यहाँ पे लंबी लंबी प्याज कट कर ली है, तकरीबन दो मीडियम साइज के प्याज हैं ये। प्याज आप अपने हिसाब से और भी ज्यादा भी ले सकते हैं, मैं उतना ही थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। थोड़ी प्याज ली है, अब ये तेल के अंदर डालेंगे। अब कूटी हुई हरी मिर्ची, लहसुन, कोतिंबीर, जीरा वो पेस्ट डाल देंगे। प्याज को सिर्फ एक मिनट के लिए पका लिया है, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए ये मूंग की दाल है, इसे भीगने के लिए रखा था एक दो घंटे के लिए। तकरीबन दो टेबलस्पून जितनी दाल वो डाल रही हूँ। ये हमारी दादी की साइड ऐसे बनाते हैं दाल डाल के, इसलिए मैं भी डाल रही हूँ। मूंग की दाल है ये। देखिए इतनी से हल्दी डाल देंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून जितनी। देखिए फलिया बुकना, ये कूटी हुई सेंगा वो भी डाल देंगे। दाल इसे फ्राई कर लेंगे। नमक मिर्ची कूटते वक्त डाला था, अब या और एक बार देख के डाल लेंगे नमक। थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए हमारा ठेचा रेडी है, गैस को बंद कर लेंगे। चलिए अब क्या पकाती है हमारी दादी देख लेंगे। क्या पका रही हम? जवारी की रोटी। हाँ जारी की रोटी, ठेचे संगा तक खाने। देखिए अभी जारी की रोटी बनाएंगे। यहाँ पे जारी का आटा है, दो रोटियों के लिए गूंद लेंगे आटे को। ये नॉर्मल वाला पानी ही डाल रहे हैं, गर्म करके नहीं। अभी क्या कर रही? आटा घोल लो। देखिए अच्छे से गूंद देना चाहिए आटे को। एक पेड़ा डालेंगे। देखिए थोड़ा सा आटा नीचे डस्ट करके।
देखिए रोटी रेडी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। देखिए गैस पे तवा रखा है और गैस की फ्लेम लो पे है, गर्म हो चुका है तवा, अब रोटी डालेंगे। आहिस्ता से दोनों हाथों से रोटी लीजिए, जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर करके डालेंगे तवे के ऊपर। अब इसके ऊपर पानी लगाएंगे, हाथ में लेके देखिए इसे। पूरी रोटी को पानी लगाएंगे लाइट सा। देखिए थोड़ी सी फ्लेम को ज़्यादा कर लेंगे। अब उल्तानी से निकाल लेंगे, हर तरफ से उल्तानी से यूज़ कर लेंगे। देखिए फट गई, कोई बात नहीं, तवा थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ था इसीलिए फट गई वो। अब इसे पलटा के डालेंगे। अब ये रोटी को सेक लेंगे ऐसे दबा के। देखिए रोटी रेडी है, अब दूसरी सेक लेंगे। देखिए हमारा ठेचा, रोटी और हमारे दादी तीनों रेडी हैं, अब खाने के लिए शुरू करेंगे। ये देखिए ठेचा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। ये ऑथेंटिक तरीके का है, अब ये खा के बताएंगी। देखिए कितनी कड़क वाली रोटी बनाई है इन्होंने। यही रोटी अच्छी लगेगी इसके साथ, नरम वाली नहीं, थोड़ी सख्त वाली। क्यों वे अच्छा है? ऐसा तुम्हें भी बनाओ, अच्छा लगता है। ठेचा और रोटी आप भी जरूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।